सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग जैक। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे चैनल पर आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट्स के बारे में, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन कर सकते हो, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो जो भी बंदे वाले लोग टूर्नामेंट्स खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फ्री फायर में ई स्पोर्ट्स करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना भाई लोग, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप एक भी पॉइंट स्किप करते हो तो शायद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले भाई लोग, हम लोगों ने अपना जो सीज़न वन टूर्नामेंट था, हमारा गेमिंग जैक का सीज़न वन टूर्नामेंट था, वो हाल ही में कंप्लीट किया है, जिसका आप पॉइंट्स टेबल देख सकते हो यहाँ पे। SCS e-sports टूर्नामेंट जीत चुकी है, तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम SCS। एंड नंबर टू पर थी, आप देख सकते हो हमारी ऑलराउंडर गेमिंग भाई की टीम थी यहाँ पे, जो नंबर टू पे थी, और नंबर थ्री पे रिची रिच की टीम थी। तो सभी टीम्स को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। जो ₹1,500 कैश प्राइज था, ये तीनों टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बाकी टीम्स को भी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल प्लेड भाई लोग। जो आपने गेम प्ले दिखाया बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को मज़ा आया। तो ऐसे ही भाई लोग, हम लोग अब नए टूर्नामेंट्स हम लोग लाने वाले हैं। तो एक्चुअल में अब जो टूर्नामेंट होने वाले हैं वो वीकली टूर्नामेंट होने वाले हैं। बस ध्यान से सुन लो, मिस मत करना पॉइंट, मिस कर दोगे तो कुछ नहीं समझेगा। तो अब जो हमारे चैनल पर जो अपकमिंग टूर्नामेंट है वो वीकली होंगे, ओके। मतलब बड़े टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, अब हम लोग वीकली टूर्नामेंट्स करवाएंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग जब बड़ा टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसमें 20 से 25 दिन चले जाते हैं, और जो सिर्फ टीम सेलेक्ट होती है उन्हीं को चांस मिलता है, तो बाकी टीम्स को नहीं मिलता है। तो अब हम लोग जो करने वाले वो होने वाले वीकली टूर्नामेंट्स। इसमें आपका क्या फ़ायदा है, अगर जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स रखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम उसमें रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो या लेट हो जा रहा है, तो आप नेक्स्ट वीक में ट्राई कर सकते हो। मतलब आपको चांस मिलना 100% श्योरिटी है कि आपकी टीम को चांस मिलेगा। तो अब ये जो वीकली टूर्नामेंट होगा, ये इस प्रकार होगा कि हम लोग जो अपना वीकली टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग सैटरडे को। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ वीकली टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को होगा, ओके। सैटरडे मॉर्निंग से लेके सैटरडे 5 या 4 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, ओके। और सैटरडे को रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, संडे को हम लोग टीम अनाउंस करेंगे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 5 दिन क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे। सैटरडे को सेमीफाइनल्स होगा, और सॉरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 4 दिन क्वालिफिकेशन राउंड्स होंगे। फ्राइडे को सेमीफाइनल्स होगा, सैटरडे को ब्रेक होगा, और संडे को फाइनल्स होगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि एक टूर्नामेंट हम लोग एक वीक में कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कितने टीम्स खेलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये नेक्स्ट वीक में टूर्नामेंट होगा, जो भी नेक्स्ट मंडे आएगा, वो टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन सैटरडे, दैट इज़ आज है 3, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 तारीख, तो 5 तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 5 तारीख को ही सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, सुबह 9 बजे से शाम को 4 या 5 बजे तक, ओके। और जो टॉप 60 टीम्स रजिस्टर करेंगी, जो सबसे पहले 60 टीम्स रजिस्टर करेंगी, सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। टॉप 60 टीम्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर और 12 टीम्स आती है तो हम लोग 72 टीम्स को भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले जो कर टूर्नामेंट रखेंगे जो स्टार्ट होने वाला है 7 तारीख से, दैट इज़ फ्रॉम मंडे, वहाँ पर हम लोग पहले टूर्नामेंट में सिर्फ 60 टीम्स को चांस देंगे। अगर उससे ज़्यादा आती है तो हम लोग कर लेंगे, वो टीम्स एक बार लॉबी बन जाएंगी तो उनके साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो 60 टीम्स होंगी, इनके बीच में टोटल होंगी 5 लॉबीज। 5 लॉबी मतलब 12 टीम्स की 5 लॉबी मतलब 60 टीम्स हो गई। अब ये 5 लॉबी में से टॉप 4 टीम्स निकलेंगी, टोटल 20 टीम्स हो जाएंगी। 4 हमारी इनवाइटेड टीम्स होंगी, 24 टीम्स। अब ये 24 टीम्स फ्राइडे को खेलेंगी सेमीफाइनल्स, ओके। अब ये सेमीफाइनल्स में दोनों लॉबी में से टॉप 6 टीम्स संडे को खेलेंगी फाइनल्स, ओके। और फाइनल्स में जो भी टीम जीतेगी उनके लिए कैश प्राइज है, ओके। यहाँ पे कोई भी आपसे एंट्री फीस नहीं लिया जाएगा, इट इज फ्री एंट्री, दैट इज फ्री एंट्री। यहाँ पे कोई आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको जीतने पर यहाँ पे एंट्री फी कैश प्राइज मिलेगा। कितना मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। तो सैटरडे जो भी टीम जीतेगी वो ये टूर्नामेंट को जीत जाएगी, ओके। और समझिए भाई लोग, आप लोगों ने रजिस्टर किया लेकिन आपका अंडर 60 टीम्स के अंदर नहीं आ रहा है, ओके। 72 टीम्स ने रजिस्टर कर लिया, तो हम लोग 6 लॉबीज बनाएंगे, और 6 लॉबी में जो भी टॉप 3 टीम्स होंगी, तो 18 टीम्स और 6 फिर हम लोग इन्वाइटेड, तो हम लोग की इन्वाइटेड टीम्स इंक्रीज हो जाएगी। फिर वहाँ पर आप लोग सिर्फ टॉप 3 टीम्स को ही हम लोग नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करवाएंगे। तो याद रखना, अगर 60 टीम्स है तो टॉप 4, 70 टीम्स है तो टॉप 3 टीम्स, ओके। तो 72 टीम से एक भी ज़्यादा टीम्स हम लोग नहीं लेंगे,
अगर हमें दिख रहा है कि भाई इस बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग जो नेक्स्ट वीक में टूर्नामेंट आएगा उसमें हम लोग अपने स्लॉट्स को इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि कैसे आपको रजिस्टर, हाँ अब आपको मैं बता देता हूँ आपको रजिस्टर कहाँ पर करना है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है डिस्कॉर्ड पर। ओके, डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। इस बार डिस्कॉर्ड पर रजिस्ट्रेशन करने का मेन रीज़न ये है कि भाई लोग, लास्ट टाइम जो भी टूर्नामेंट मैंने इंस्टाग्राम पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, भाई वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे, भाई टीम्स के नाम दे दे रहे, लेकिन मैच के दिन कोई कॉल नहीं उठा रहा है, बोल रहा है भाई मम्मी मोबाइल नहीं दे रही है, पापा मोबाइल नहीं दे रहे। ये सब सिली रीजंस की वजह से भाई जो डिजर्विंग टीम थी उनको चांस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से भाई नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उनके रजिस्ट्रेशन होंगे ओनली एंड ओनली ऑन डिस्कॉर्ड। तो जब आप सैटरडे को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आओगे, आपको एक सेक्शन दिखेगा वीकली टूर्नामेंट्स रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। जैसा फॉर्मेट दिया आपको सेम टू सेम फॉर्मेट देना है, अपना डिस्कॉर्ड टैग लगाना ज़रूरी है, चारों बंदों का डिस्कॉर्ड टैग लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, तो इसीलिए डिस्कॉर्ड टैग लगाना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। तो जैसा आपको डिटेल्स दिया वैसा आप भर लो। टॉप 60 टीम्स को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, अगर 72 टीम्स आ जाती है तो ठीक है, लेकिन पहले 60 टीम्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा। हम लोग देखेंगे 60 टीम्स रजिस्टर हो गई तो इनके बीच में पहले कस्टम्स करवा देंगे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन विल बी ओनली ऑन डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लोग भाई लोग। ओके, क्योंकि मैं इस बार मैच्योर बंदे चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मेरी वजह से एक भी टीम भाई ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ती है तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ओके, तो अगर हमारी वजह से एक भी टीम जाती है तो मुझे भाई 9 साल वाले बच्चे नहीं चाहिए, 9 साल वाले चाहिए लेकिन ऐसे चाहिए जो टूर्नामेंट्स खेले। अब मेरी खुद की सेकंड ग्रेड में भाई 9 साल के बच्चे लेकिन सब टूर्नामेंट्स खेलने वाले बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये फॉलो कर लीजिए। और इसी के साथ साथ हम लोग अपने डेली कस्टम्स भी करवाते हैं, डेली टूर्नामेंट्स में भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका भी डिस्कॉर्ड पे एक सेक्शन है, वहाँ पे आप लोग डिस्कॉर्ड पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, डेली कस्टम्स आप हमेशा खेल सकते हो, क्योंकि उसके लिए एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। और अब मैं बात करता हूँ भाई कैश प्राइस क्या होगा। तो भाई देखिए, वीकली जब हम लोग टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं तो इसका कैश प्राइस मैं ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि यार मैं खुद एक छोटा यूट्यूबर, अभी तक मेरी कोई इनकम नहीं है यूट्यूब से। तो जो भी टीम जीतेगी उनके लिए 300 का कैश प्राइज होगा। ओके, देखो भाई 300 भी बहुत होते हैं, अगर आप 3 मैच खेल के 300 जीत रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। मैं बता देता हूँ कि कैसे मैचेस होंगे। ओके, क्वालिफाइंग राउंड सिर्फ एक होगा, जो आप क्वालिफाइंग राउंड खेलोगे वो सिर्फ एक होगा। सेमीफाइनल में 3-3 मैचेस होंगे एंड फाइनल में 3 मैचेस होंगे। सेमीफाइनल में दोनों लॉबी के 3 मैचेस होंगे, बरमूडा परगेट्री कालाहारी, एंड फाइनल में भी बरमूडा परगेट्री कालाहारी। जो क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे वहाँ पे आपके परगेट्री मैप्स होंगे, बरमूडा मैप कहीं पे भी नहीं होगा भाई लोग। जो क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे वहाँ पे आपके परगेट्री मैप होंगे, बरमूडा मैप कहीं पे भी नहीं होगा, ना क्वालिफाइंग राउंड में बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेमीफाइनल में 1 मैच बरमूडा, 1 परगेट्री, 1 कालाहारी। ओके, मैं ये बताना भूल गया था स्टार्टिंग में। तो ये 3 मैच होंगे सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में। अब मैं बता देता हूँ भाई कि ये वीकली टूर्नामेंट करवाने का एक मेन रीज़न ये था कि मंथली में हम लोग भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो था जो मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट हमारा जो बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है वो कब आने वाला है, मतलब अराउंड 1500 का कैश प्राइस, 2000 का कैश प्राइस। तो भाई ये टूर्नामेंट आएगा जब आप हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स करवा दोगे। भाई अब आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो इतना आप हमारे लिए भी कर सकते हो कि भाई प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कि यार भाई जो आलोक वाले गिव अवे हैं भाई, उनके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हमको उनसे कुछ फ़र्क नहीं है, मुझे सब्सक्राइबर्स का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि भाई जितने भी बंदे टूर्नामेंट्स खेलते हैं उन सब तक ये वीडियो जाए भाई। मतलब वो बोलते हैं ना उनको चांस नहीं मिलता, तो भाई आओ यहाँ पर खेलो, यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दो, बेस्ट परफॉर्मेंस दो। हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भाई, बहुत कम चैनल्स हैं जहाँ पर आपको टूर्नामेंट्स अगेंस्ट यूट्यूबर्स खेलने का चांस मिलता है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे टीम SCS आते हैं भाई, टीम ARG आते हैं, टीम BBF आते हैं, यूट्यूबर्स की टीम आती है भाई, आपको इनके अगेंस्ट खेलने का चांस मिलता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे टीम्स, रिची रॉयल्स, रिची रिच, ऐसे अच्छे अच्छे टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा भाई। तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आके दिखाओ, यहाँ पे अगर आप अच्छा गेम प्ले दिखा देते हो और शायद आपके अंदर वो टैलेंट है तो शायद आप आगे स्पोर्ट्स में हम आपको हेल्प कर सके जाने में, हम बात करवा देंगे अगर आपकी एक अच्छी टीम है तो। ओके, वो सब बाद में, लेकिन आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर देते हो, ये पूरा फॉर्मेट है। और साथ ही में मैं एक और चीज़ बताना चाहता था, जल्दी जल्दी से 7K करवा दीजिए ताकि हम लोग एक बड़ा टूर्नामेंट ला सके। और अगर आप चाहते हो कि एक क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट आए, मेरे दिमाग में क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट का भी प्लान चल रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट आए तो इस वीडियो पे अगर 500 लाइक्स हो जाते हैं, भाई मुझे पता है ये ज़्यादा है, तो यार आपको करवाने पड़ेंगे। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं तो हम लोग अपना एक क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट लाएंगे जिसका भी एक अच्छा खासा प्राइस पूल होगा। तो भाई जल्दी से इस वीडियो पे 500 लाइक्स करवा दीजिए,
और जितना जल्दी हो सके भाई 7K करवा दीजिए, अपना टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स का। वी ओनली भाई अपना एक ही नारा है #supportesports। तो जितने भी बंदे भाई देख रहे हो कमेंट पे भाई, कमेंट जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे सभी लोग भाई अपने टीम का नाम लगा के #esports लगा दो, मेरे को अच्छा लगेगा। तो आई थिंक सो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिस किया, मैंने बता दिया आप वीकली टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, डेली टूर्नामेंट्स कस्टम्स खेल सकते हो आप, डेली कस्टम्स के कोई प्राइस पूल नहीं होते, सिर्फ प्रैक्टिस कस्टम्स हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम प्रैक्टिस करे पूल में आप यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम क्लैश कॉड प्रैक्टिस करे तो आप क्लैश प्रैक्टिस जो डिस्कॉर्ड में प्रैक्टिस सेक्शन है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि जो बड़ा टूर्नामेंट है वो खेले वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आप हमारे चैनल पर भाई ऑलवेज वेलकम है। आपको सिर्फ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे टूर्नामेंट्स की वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और सबसे पहले आप रजिस्टर कर लो। ओके, तो रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट टूर्नामेंट जो फर्स्ट वीकली टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 5th, दैट इज सैटरडे। हाँ, 5th सैटरडे आ रहा है, सैटरडे मॉर्निंग 9 से शाम को 3 या 4 बजे तक। जैसे 60 टीम्स या 72 टीम्स रजिस्टर हो जाएंगी हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होगा, जो नेक्स्ट वीक का टूर्नामेंट होगा या रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा नेक्स्ट सैटरडे को। ओके, मतलब ये जो टूर्नामेंट जो वीकली टूर्नामेंट है इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा ओनली ऑन सैटरडे, सिर्फ और सिर्फ सैटरडे के दिन ये ओपन रहेगा। तो अगर आप लोग एक वीक मिस कर देते तो नेक्स्ट वीक में जल्दी से अप्लाई कर लो भाई, क्योंकि ओनली एंड ओनली 72 टीम्स, और भाई जो भी बंदे हमारे जो भी टीम्स हमारे टूर्नामेंट्स पहले से खेलती हैं आपके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंपलसरी है, सभी टीम्स को ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, और भाई लोग अगर आप चाहते हो कि हम लोग जो फाइनल्स हैं उसके हाईलाइट्स डालें तो भाई कमेंट कर दो कि जैक भाई प्लीज़ फाइनल्स के वीडियो हाईलाइट्स लेके आओ, मैं डाल दूंगा। ओके, तो भाई लोग आज का वीडियो हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपको डिटेल में समझाना था ये टूर्नामेंट के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, और भाई लोग एक और बात, लाइव पे आते हैं, लाइव रोज आता हूँ मैं 6:30-7 बजे के बाद, आ जाया करो, वहाँ पे हम लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं, आप लोग दूसरी टीम्स के स्ट्रैटेजीज देख सकते हो, सीख सकते हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ई-स्पोर्ट्स को सपोर्ट करो और लगा दो नारा कमेंट में, लगा दो #supportesports। चलो भाई लोग, बाय बाय, टेक केयर।